धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का, राजा पर राजा पूर्वों के फिर भी, जो मुझ पापी पर दया करी। मेरी माँ भी हैं जो आगरा में रहती हैं, मैं आगरा से हूँ गौरव। जो मैं रास्ता भटक गया था, शैतान जो मेरे पीछे पड़ा था 4 साल पहले, उस शैतान ने मेरे जीवन को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। समझ में नहीं आता था कैसे क्या करूँ। मेरी वाइफ नीलम जो इस कंडीशन में थी, मैं किसी से कुछ कहने लायक नहीं था। सब कुछ होने के बाद भी मैं यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कैसे क्या करूँगा। परमेश्वर ने मेरे को सहारा दिया, हिम्मत रख मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरी मामी जी ने अंकित भैया का नंबर दिया, तो उनसे मैं बराबर संपर्क में रहा। पर शैतान इतना काफ़ी दुष्ट था जो मिलने भी नहीं दे रहा था। जो मेरी वाइफ नीलम आईसीयू के अंदर रही 5 दिन, तो बाहर जो अंकित भाई से बात होती थी और अंदर जाने के बाद आईसीयू में जो फ़ोन संपर्क नहीं होने दे रहा था। पर मुझे विश्वास था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जो मैं रास्ता भटक गया था उसी ने मेरे को सच्चा मार्ग दिखाया। धन्यवाद करता हूँ अंकित भाई के जरिए। जो प्रार्थना हुई उस प्रार्थना को मेरी वाइफ नीलम ने सुना, और सुनने के बाद ऐसी चंगाई पाई। 2 जल पानी पिया जो अंकित भाई ने बोला था, बस 2 बूंद डाल दो, उसके बाद सवेरे आप खुद ही देखोगे, परमेश्वर का धन्यवाद करोगे। मैं क्या बोलूं, आप सब कुछ आपके सामने हुआ। पर परमेश्वर की ऐसी सामर्थ्य, जो मैं बंधा हुआ बैठा था उस चीज़ से निकलने के बाद मेरा शरीर सब कुछ इतना हल्का हुआ, और मेरे को लगा कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं यहाँ हूँ, सब कुछ ठीक है। अब मेरे को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, परमेश्वर ने मेरे को चुन लिया है। सच्चे मन से सुना था, बस मैं यही धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का, जो मेरी परमेश्वर ने सुनी। मुझे विश्वास है तो अब मैं जो हूँ परमेश्वर के लिए हूँ, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ूँगा और जीवन में खुशियाँ आएंगी। मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास हो चुका है। जो भी गलती क्षमा हुई है मुझसे माफ़ करना परमेश्वर। नहीं जानता था, एक बार परमेश्वर ने मेरे को दिया था सारा, पर मैं नहीं माना, अपनी मस्ती में रहा, अपने दिल और दिमाग पर नहीं ली परमेश्वर की बातें। जो मेरे को इतना बड़ा आज खामियाजा भुगतने को मिला, मेरी वाइफ मौत के मुंह में से निकल के आई है, परमेश्वर की अनुकृपा थी उस पर। जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था विश्वास रख, मैं तो ये ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करूँ, उतना ही कम है। मेरी गवाही पिता परमेश्वर नहीं कि देन है सब कुछ। मैं कुछ नहीं जानता था, पापी था, कहाँ खड़ा था, दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया था जो कुछ पहचान भी नहीं पा रहा था। पर अंकित भाई इनका धन्यवाद करता हूँ, जो ऊपर से खुदा बन के मेरे लिए आए और मेरी प्रार्थना सुनी। मैंने उनकी प्रार्थना का जरिया आज मेरे को देखने को मिला। और सुबह जब आईसीयू से बाहर निकले थे उसके बाद भैया ने कहा था सुबह अपने आप देखना, और डॉक्टर ने देखते कैम कह दिया था मैंने किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इनको आईसीयू से बाहर निकालो और 2 दिन में इनकी छुट्टी हो जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास था, विश्वास के साथ मैं सचेत हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जो मेरे को दिखाया और मेरे जीवन को बदला है। परमेश्वर मेरे साथ है, सबको जय मसीह की।